नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने काली के पोस्टर पर कहा कि वे आपत्तिजनक है, इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मैं निर्देशक से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वह हमारे देवी देवताओं पर ही फिल्म क्यों बनाती हैं? उनमें हिम्मत है तो किसी और धर्म के देवी देवताओं पर फिल्म बनाकर दिखाएं। गृह मंत्री ने कहा कि मैं इस पर FIR कराने के लिए कहूंगा और इस पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में यह फिल्म प्रतिबंधित कैसे हो? अगर फिल्म के पोस्टर तत्काल नहीं हटाए गए तो हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया है। यह फिल्म लीना मड़ी मेकलाई ने बनाई है। फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी मां काली के किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। सारा विवाद इस पोस्टर को लेकर है। बता दें, इस फिल्म को लेकर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बवाल मचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर फिल्म के पोस्टर वापस नहीं लिए गए तो फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। बता दें, भारतीय फिल्म निर्माता लीना मड़ी मेकलाई ने हाल ही में अपनी डॉक्यूमेंट्री के एक पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद वे लोगों के निशाने पर आ गई। ये पोस्टर रिलीज होने के बाद हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई हैं। लोगों ने इस पर जमकर नारेबाजी की है और कई लोगों ने लीना की गिरफ्तारी की मांग भी की है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आगा खान म्यूजियम में पहली बार दिखाई गई। इसे रिदम ऑफ कनाडा के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है, इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं मणि मेकलाई जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो हमारी देवी देवताओं पर क्यों मनाते हैं? उनमें हिम्मत है किसी और पर बना के दिखाएं, किसी दूसरे धर्म के देवताओं पर? आपत्तिजनक है। मैं इस पर FIR कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। अगर तत्काल इन्होंने पोस्टर नहीं हटाए तो हम आगे कड़ी कार्रवाई कानूनी इनके ऊपर करेंगे।